तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत में, एक नए व्लॉग में। और दोस्तों, जिस तरह से कल हमें काम करते करते रात के 11 बज गए थे, 8 बजे तक तो मैं आपको इन्फॉर्म किया था, उसके बाद मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया। तो रात के 11 बजे हम वापस आए काम निपटा के। तो आज भी सुबह अभी लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम है अभी। तो अभी हम साइड पे जा रहे हैं, लेकिन अभी तो मौसम ठीक था, लेकिन फिर से जो है वो देखिए आप, नीचे बिल्कुल काले घने बादल निकल के आ चुके हैं और ये बारिश फिर कभी भी आ सकती है। बार बार दोनों दोस्तों बारिश जो है हमारे काम को प्रभावित कर रही है, मतलब तो उतनी बार काम भी जो है रुक रहा है, काम भी जो है रोकना पड़ रहा है, क्योंकि जो क्रेन्स होती है ना, उनका जो ब्रेक सिस्टम होता है, जो लोड उठाते हैं, तो वो भी उनके ब्रेक पे ब्रेक से रोकते या ब्रेक से ही कंट्रोल करते हैं। तो उन पे जो है जब पानी या गीली हो जाती हैं तो उनका स्लिप होने का रिस्क रहता है, कि जबकि मान लीजिए ब्रेक मारा तो वो स्लिप कर सकते हैं। तो इसलिए जब वो गीले रहें तो तब थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो बार बार बारिश आने पर काम में जो व्यवधान पैदा हो रहा है वो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी तो हमने जा रहे हैं साइड पे, कल रात को 11 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था, तो अब देखते हैं कितना कर पाते हैं। यही जद्दोजहद दोस्तों रोज़ रोज़ चलती रहती है, कभी बारिश आ जाए फिर काम रुक जाए, फिर बारिश बंद हो जाए फिर काम शुरू हो जाए, कभी मैकेनिकल फॉल्ट है, कभी कुछ और दिक्कत है। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए हम निरंतर अपने कार्य पे लगे हुए हैं, और यही जो है मतलब यही हमारा कर्तव्य है कि किसी तरह से हम किसी भी तरह से अपने काम को रुकने ना दें और लगातार काम चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, साइट पे पहुंचता हूँ मैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि लगभग क्या क्या परिस्थिति है और क्या अब हम आगे करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, दिन भर धूप बारिश के बीच एक बार फिर से मशीन में मैकेनिकल फॉल्ट आ चुका है और मशीन ब्रेक डाउन हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं वापस। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये रोज़ का काम है हमारा, यहीं से आना यहीं से जाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी को फैला के थोड़ा सा मतलब इस तरह से किया हुआ है कि आगे जाके मतलब यहाँ पर हम क्रॉस कर पाएँ, क्योंकि इधर भी गहरा है और उसके इधर भी गहरा है, यहाँ भी पानी का बहाव तेज़ है और यहाँ तो खैर गहरा है ना। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर आपसे आगे। दोस्तों अभी हम हैं एक गांव में जिसका नाम है कुमालडी, और ये देखिए चारों तरफ धान की खेती लगी हुई है, कितना मस्त व्यू है ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों, ये पहाड़, आजकल धान की फसल लगी हुई है और ये पहाड़ी घर, अब मौसम खुल चुका है, चारों तरफ देखो खेती हो रही है, आजकल सब धान लगी हुई है। और ये देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे इतना नहीं है, कोई पुराना गांव, लोगों का बोया हो, आसपास खेती भी है, और ये कच्चे रास्ते गांव की तरफ जाते हुए बहुत ही शानदार, मतलब कैमरे में उतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा दोस्तों जितना हमें सामने से दिख रहा है, मतलब खेत को खा रहे गाय है, वो गाय का बछड़ा। बारिश के बाद आसमान इतना साफ हो जाता है ना, एकदम नीला, सब कुछ साफ। दोस्तों थोड़ा सा दूर चलने के बाद हमें जो है ये घाटी नज़र आई, ये देखिए ये सामने एक गांव भी है, और आजकल पानी का, आपके पानी की आवाज़ भी आ रही होगी शायद, पानी बहने की आवाज़। ये पूरा मंदाल घाटी का इसका जो कैचमेंट एरिया है, तो आजकल तो पानी वहाँ कहीं बीच में बह रहा है, वो झाड़ियों के आगे दिख रहा होगा आपको, लेकिन जब बहुत तेज़ कभी भी बरसात या कभी कुछ ज़्यादा पानी आता है तो वो पूरा आर पार फैल जाता है। बताते हैं कि पहले यहाँ खेती हुआ करती थी, जहाँ ये झाड़ियाँ दिख रही है ना आपको नीचे, यहाँ से पहले जहाँ खेत दिख रहे हैं साइडों में, इसी तरह ये खेत फैले हुए थे आगे, लेकिन कभी
बहुत तेज़ फ्लड आया तो वो सब बहा के ले गया। तब से यहाँ खेती बंद है और अब लोग यहाँ हैं, अब यहाँ झाड़ियाँ उगी हुई हैं, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी साल भी कभी बढ़ सकता है। तो अब ये सब बंजर है। आपको एक छोटी सी नहर भी दिखाई दे रही है कहीं बीच में, यहाँ देखिए ये नहर भी चल रही है बीचों बीच। तो इस नहर से साबित होता है कि पक्का यहाँ पे कहीं पहले खेती हुआ करती थी, क्योंकि जो नहरें हैं, फिर वो नहर जो है दाएं बाएं मुड़ भी रही है, तो पहले यहाँ सब खेत थे। और वो देखिए एक सामने गांव भी है पार। तो चलिए दोस्तों, अब शाम होने वाली है और हम चलते हैं वापस अपने कमरे की तरफ। चलिए, अभी हम इसी रास्ते से वापस आए थे और अब यहीं से वापस जा रहे हैं। देखिए सामने ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये कल कल बहती नदियाँ, झरने, ये खेत, ये पक्षियों की आवाज़, ये आपको शहर में कभी भी नहीं सुनने को मिलेगी। ये सुकून आपको सिर्फ गांव में ही देखने को मिलेगा, और बस गांव में ही देखने को मिलेगा और कहीं नहीं। ये देखिए, ये जो आपको सामने सामने जंगल दिखाई दे रहा है, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आता है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, डिनर है तैयार। तो चलो दोस्तों, डिनर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आज का व्लॉग यहीं तक। मिलते हैं आपसे व्लॉग में। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत पसंद आए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।